नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। कानपुर देहात के रनिया व विश्लाया मार्ग पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों को आने जाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने तहसील जाकर के शिकायत दर्ज की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान को भी शिकायत पत्र सौंपा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बरसात में लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां होती हैं। देखिए रनिया से अमित सिंह की रिपोर्ट। सीएम महोदय जी का, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी यूपी में, और ये हाल है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर अभी तक गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई हैं और यहाँ पर कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी आपने सुना है महोदय के द्वारा, फास्ट न्यूज इंडिया अमित सिंह है। हमने कई बार कई लोगों से शिकायत की, लेकिन कोई भी सर सुनवाई नहीं है। इसलिए महोदय आपसे निवेदन है कि आप जो है इस काम को जल्द से जल्द करा दी, क्योंकि बगल में 20-25 फुट गड़ैया भी खुदी हुई है, कोई भी एक्सीडेंट होने के किसी भी समय चांस है। रनिया बिस्लाया और रनिया मार्ग पर ये जो मार्ग है, ये बांध पड़ा है। यहाँ पर बहुत खांचे, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ पर गाँव वालों ने कई बार तहरीर दी है, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं इस चीज़ की। आइए जानते हैं कितने लोगों का यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ के बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करते हैं जरा। यूपी के जिला बदायूं के बिसौली थाना अंतर्गत जलालपुर के पास कस्बा बिसौली में खाद के गोदाम पर, जहाँ कुछ दिनों पहले बेशुमार किसानों की भीड़ जमा रहती थी। लगभग 4 से 5 दिनों पहले यूरिया के लिए किसान बहुत ही परेशान था। सुबह 4 बजे उठकर गोदाम पर लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज यूरिया की मारामारी से किसान को राहत है। किसानों की संख्या में भी बहुत कम है, और उसी साथ साथ गोदाम में यूरिया की भरपूर मात्रा है। देखिए जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। यूरिया की जो किल्लत अब तक दिखाई दे रही थी, और आज यहाँ देखा जा रहा है कि आज यहाँ भीड़ नहीं है, क्या कारण है इसका? यूरिया लगभग मांग पूरी हुई किसानों की, और खाद भी बहुत आ रहा है। मेरे पास 601 बोरी थी, सुबह 1300 बोरी आ गई, और 1901 बोरी है, उसमें से 501 बट गई। अब देखा जाए तो जो भीड़ आपसे पहले 4 दिन या 5 दिन पहले जो भीड़ दिखाई दे रही थी, वीडियो देखते हुए लग रहा है कि अब जो बटक थी वो पूरी हो चुकी है। हाँ, लगभग मांग पूरी हो चुकी है किसान की, बहुत कम लोग आ रहे हैं। यूपी के जौनपुर जिले के खेता सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरारी पुरिया के पास मिर्जापुर से अयोध्या राम मंदिर का पत्थर लेकर जा रही ट्रक स्टीयरिंग फेल होने के कारण सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी, जहां पानी भरा हुआ था। गनीमत रहा कि ड्राइवर व उसके साथ बैठे गाड़ी मालिक सकुशल बच गए। ये खेता सराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेता सराय क्षेत्र अंतर्गत गोरारी पुलिया के पास मौजूद है, जहाँ आज सुबह मिर्जापुर से अयोध्या राम मंदिर के लिए पत्थर लेके जा रही एक ट्रक स्टीयरिंग फेल होने के नाते गड्ढे में गिर गई, और गनीमत रहा कि सब लोग सकुशल बच गए। फास्ट न्यूज इंडिया के साथ राकेश कुमार शर्मा की। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना तहसील अम्बाद थाना अंतर्गत कुथियाना बीलपुर गांव के पास चंबल नदी का जल स्तर बढ़ा खतरे के निशान से ऊपर। कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद 3 प्रतिदिन बढ़ रहा है चंबल नदी का जल स्तर। अभी चंबल नदी का जल स्तर है 134 मीटर, पर जैसा आप जानते हैं चंबल नदी के खतरे का निशान है 129.76 पर है। जैसे ही अम्बा थाना अंतर्गत प्रशासन को कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद सूचना मिली, तो अम्बा थाना अंतर्गत आने वाले चंबल नदी के आसपास के सभी गांवों में किया रेड अलर्ट जारी। भोला, सभी गांव के निवासी अपना अपना सुनिश्चित स्थान पर पहुंचे, और चंबल नदी के आसपास जितने भी गांव हैं सभी गांव को खाली करें। चंबल नदी में पानी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और इससे खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए गांव से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। अम्बा प्रशासन की तरफ से प्रशासन की देखरेख में लोगों को सुनिश्चित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। अम्बा से पवन किरार की रिपोर्ट। कोटा बैराज और काली सिंध नदी से जो पानी छोड़ा हुआ है, जिससे चंबल नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और जो खतरे के निशान से ऊपर है, 134.10 हो गया है।
और यहाँ पर प्रशासन की देखरेख में यहाँ पर कोई पूरी सुरक्षा से सब काम है। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में महिला ने एक व्यक्ति पर रुपए उधार देने के बहाने दुकान पर बुलाया और अपने साथी के साथ उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और साथ ही महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बाजपुर निवासी एक महिला ने सुल्तानपुर पट्टी निवासी जीवन सिंह पर आरोप लगाया है कि वह ब्याज पर पैसे उधार देने का कार्य करता है। सीओ दीप शिखा अग्रवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। पैसे लेने गई थी, इसने कहा कि फोटोग्राफर की दुकान में बैठो आप, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद ये आया, आने के बाद में फोटोग्राफर की दुकान में बढ़ा, उससे जाने क्या बात करी, फिर थोड़ी देर में बाद मुझे बुलाया। मुझे बुलाने के बाद में कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ जहाँ पर अंदर फ़ोटो खींचते हैं। मैं वहाँ पर बैठ गई, इसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ में ज़बरदस्ती गलत काम करा। दो लोग थे, एक बाहर था और जीवन अंदर था। इसने मेरे साथ में गलत काम करा, फिर मैं कैसे न कैसे करके मैं बाहर निकल गई। मैंने से कहा आके तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करा जो मैं यहाँ तक आई हूँ। पुलिस कल से कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कल भी 3 बजे से मैं बैठे बैठे 8 बजे तक चली गई थी यहाँ से, कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ये कल 1 सितंबर को हमारे को एक तहरीर प्राप्त हुई थी एक महिला से, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि दो व्यक्तियों द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है। इस तहरीर की सूचना पर हमारे द्वारा 376-506 धाराओं में एक नामजद व एक अज्ञात व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो हमारे पास तहरीर आई है, इसमें ये बताया गया है कि वह व्यक्ति उधार देने का काम करता था, महिला उसे उधार लेने गई थी, इसके झांसे में उसके साथ गलत काम किया गया। कहते हुए के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।